अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और आप देख रहे हैं स्टेनो एंड मैथ स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में हम पिट मैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 20 लेंगे, जिसमें हम आज एक्सरसाइज नंबर 4 को कवर करेंगे और साथ ही साथ इसका डिक्टेशन भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि स्टेनो एंड मैथ स्किल्स के नाम से है, तो काइंडली आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब से सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास, वही जो हमने मैंने आपको फ्रेज़ बताए थे, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूं। जैसे इट विल बी, इट इसके साथ अगर से मैं एल लगा दूंगा तो ये क्या पड़ा जाएगा, इट विल। दे के साथ अगर से मैं एल लगा दूंगा तो ये क्या पड़ा जाएगा, दे विल। ये इट, ये विल और ये बी, ये दे, ये विल और ये हैव, ठीक है। इसी तरीके से ये विच और ये विल, ये विच, ये विल और ये बी, विच विल बी, ठीक है। अब हमें फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते रहना है और फ्रेज़ों को भी अच्छे तरीके से याद करना है। ये दे विल बी है, ये है, ये है। तो पहला जो पॉइंट है मेरे पास वो क्या है, पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, दे विल कम टू द गेम, दे, सॉरी, दे विल कम की शॉर्ट फॉर्म कम टू द गेम, ठीक है, दे विल कम टू द गेम। उसके बाद क्या है, दे थिंक, दे थिंक दे विल बी दे विल बी क्या है, दे विल बी डेलेड। ये डेलेड, डेलेड किसे पढ़ा जाएगा, ये डे लेड, डे लेड, ये डे, ये लेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तीसरे पॉइंट क्या है, शो देम द, शो देम द वे, पेंसिल की डबलिंग हो गई, नो, वे टू द लेक, और ये टू और ये द लेक, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्या है, हु विल कम टू द, ये टू और ये द बोट। उसके बाद पांचवा क्या है, डू दे, डू दे थिंक, ठीक है। उसके बाद क्या है, डू दे थिंक वी शेल, वी शेल। अब देखें, वी शेल को हम साथ करके भी लिख सकते हैं, वही ज्वाइनिंग करते वक्त वी शेल, इसको भी हम साथ करके लिख सकते हैं वी शेल, क्योंकि इसने साथ भी लिखा हुआ है और हम चाहे तो भी इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे, लेकिन अभी हम अलग अलग करके लिखेंगे। वी शेल बेग देम टू कम, टू कम क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इन सब में फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, ठीक है। फिर उसके बाद वी में, ये पांचवा हो गया, ये छठा, वी मे चेंज द, चेंज द डेट टू द, टू द टेंथ, टेंथ, ठीक है। सातवां क्या है मेरे पास, तो सातवां पॉइंट क्या है मेरे पास, डू दे, डू दे नो द, नो द डेट, ठीक है। इन सात पॉइंटों की जो है आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, फिर उसके बाद हम इसका डिक्टेशन
लेते हैं, आप डिक्टेशन वाली वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तो फिर डिक्टेशन को देखिएगा। इंशाल्लाह अब डिक्टेशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखें, दे विल कम टू द, दे विल कम टू द गेम, दे विल कम टू द गेम टूडे, टूडे टूडे फुल स्टॉप, they think they will be delayed, do they know the date, we may change the date, we may change the date to the 10th, do they know the डेट, ठीक है। तो हमारा ये डिक्टेशन भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करके अपना हक़ ज़रूर अदा कीजिएगा। याद रहे कि आपका इन वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।